हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है मेरा क्यूट क्यूट सा बेबी, ये दुदुनी। ये गंदी है बेटे। अब तो आज गए थे हम सब एक साथ भंडारे में, और आज माता रानी का लास्ट नवरात्रा है। वैसे आठवां नवरात्रा है आज, लेकिन कल भी है, कल नौवां नवरात्रा है। तो कल नवरात्रि हो जाएंगे खत्म। और नहीं बेटी, ऐसी गंदी बात होती है, इसको नहीं चूसते, नहीं चूसते लड्डू। तो मैंने कर दिया इसको अंदर। नहीं खोलेगी नहीं मम्मी, बिल्कुल। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, सबको ऐसे कर दो, ऐसे हेलो। हाँ तो जी, किस किस के बच्चे इस तरह से करते हैं? तो मेरे बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, और देखिए बैग्स कपड़े किस तरह से। तो चाहे जितना मर्जी इन लोगों से कह लो कि अपने कपड़े बैग अच्छी तरह से रखें, लेकिन बिल्कुल भी बच्चे मानते नहीं हैं। और घर एकदम ऐसा कर देते हैं जैसा कि कभी किसी ने साफ किया ही नहीं हो। चलो छोटे वाला बच्चा है जो, उसको तो खैर अभी कुछ पता नहीं, उसने तो ऐसा ही करना है। लेकिन देखिए बड़े जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं मेरी बेटियां, तो वो भी देखिए इसी तरह करते हैं। क्या आप लोगों के बच्चे भी इसी तरह से करते हैं? तो जी ये है नौमी का, शायद अष्टमी नौमी का वीडियो है ये। और मैंने सुबह ही शूट कर लिया था, जब सुबह उठते हैं नहा धोकर मैं किचन में आई थी, तो तभी ही मैंने इसको शूट कर लिया था। पर पता नहीं क्या हुआ मेरे कैमरे को, बहुत ही धुंधला धुंधला आया। मैंने काफ़ी लेट इसको देखा, तो अपने आप ही शायद फ़ोन में कुछ खराबी आ गई, और बाद में अपने आप फिर साफ़ भी हो गया था। तो पता नहीं क्या हुआ था इसको। तो मैं नहा धोकर किचन में आने के बाद आटा वगैरह मैंने लगा लिया था, और माता रानी के लिए मैं प्रसाद भी बना रही थी। तो बीच में उसके बाद मैं चली गई थी आटा वगैरह वगैरह लगाने के बाद, क्योंकि वो फिर 15 मिनट उसको हो जाएंगे, तो दोबारा मतलब थोड़ा सा गूंथ लूँगी मैं, फिर सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर मैं चली गई थी मंदिर में, और भगवान शिव को जल वगैरह अर्पित करने के बाद फिर मैं आ गई थी, क्योंकि टाइम नहीं निकाल पाते हैं सारे दिन में। तो भगवान जी के लिए अगर कोई 5-7 मिनट निकल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इतना बिजी रूटीन हो जाता है कई बार कि निकाल ही नहीं पाती हूँ मैं। तो आजकल तो खैर पति देव कह देते हैं कि सबसे पहले तुम ही नहा लिया करो, क्योंकि फिर नहीं निकाल पाती हो टाइम। और सुबह तो मैं होता हूँ तो थोड़ा बहुत बच्चों को देख लेता हूँ, उतने में तुम भगवान के मंदिर में जाए आया करो तुम भी। तो वैसे तो बहुत अच्छी बात है, जाना तो चाहिए खैर, लेकिन पहले जाया करती थी मैं, लेकिन अब जब से बच्चे हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो इन्हीं की जिम्मेदारियां मुझसे पूरी नहीं हो पाती है। पहले पति देव को भेजना होता है सुबह सुबह, तो ये 6:45-7 बजे इस तरह से निकल जाते हैं। तो इनका नाश्ता खाना और टिफिन वगैरह, फिर उसके बाद मैं बच्चों को अपनों को तैयार करती हूँ, नहलाना धुलाना बाल बनाने, और फिर इनके टिफिन वगैरह, फिर जाके कहीं इनको स्कूल भेजना। तो 7:30 ये भी घर से निकल जाते हैं, इसलिए सुबह सुबह इतनी जल्दी रहती है कि पूछिए मत। और इसी काम में उतनी मेरा बच्चा तो खैर साथ के साथ ही उठता है ही तू तो, लेकिन फिर भी कभी कभार ये लेट हो जाता है। तो ये तब उठता है जब बेटियों को मैं स्कूल भेजने चली जाती हूँ, फिर इसके कामों में लग जाती हूँ, कभी दूध देना बच्चे को, कभी खाना खिलाना, तो इसी में ही काफ़ी टाइम मेरा निकल जाता है। लेकिन क्या करें जी, जिम्मेदारियां हैं, निभानी पड़ती हैं, तो इसी के चलते तो मैं मंदिर में नहीं जा पाती हूँ।
लेकिन आजकल कुछ ही दिन में उनसे पतिदेव कहने लगे कि तुम पहले जाए आया करो सुबह सुबह मंदिर में, उसके बाद ही बाकी का काम। तो जी यही काम होता रहा और पड़ोसियों के काम लगने के कारण तो काफ़ी स्ट्रेस सा बना हुआ है और उनकी गाड़ियां वगैरह मज़दूर वगैरह तो इधर उधर आते रहते हैं, तो सामान लेने देने का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। इस कारण से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मज़दूर कभी उनके बच्चे कभी पड़ोस के बच्चे, तो बहुत बुरा हाल हो रखा है और मुझे वीडियो शूट करने का टाइम नहीं लगता है। खुद का काम करना भी बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है, काम पड़ोसियों के लग रहा है लेकिन स्ट्रेस और मज़दूर वगैरह हमारे इधर ही आ जाते हैं, वो दिन में कभी खाना खाने, कभी पानी लेने, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये काम भी मैंने अपना सहम को ही किया था, जितनी भी मतलब ये धनिया है थोड़ी सी बची हुई थी मेरी, तो वही मैं इसको कर रही थी। और हम गए थे शादी में तो वहाँ की पिक्चर भी मैं ले नहीं पाई, तो ये वहीं की पिक्चर है और थोड़ा सा ही मुझसे कैप्चर हो पाया, क्योंकि घर के पीछे को टेंशन रहती है कि घर में मतलब मज़दूरों का आना जाना है। तो फ्रेंड्स, इसी प्यारी सी सीनरी के साथ वीडियो का एंड होता है। मिलती हूँ आपको एक और वीडियो के साथ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर रोज़ वीडियो डाल सकूँ, तो हर रोज़ ना सही तो एक दो दिन छोड़ के डाल सकूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो का एंड होता है, मिलती हूँ आपको एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।